हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सुधा फैमिली ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज है संडे और संडे की शुरुआत हो रही है मैगी से। तो नाश्ते में आज बनाया मैगी, तो टमाटर प्याज डाल के बनाए हैं। संडे रहता है ना तो थोड़ा सा लगता है कि या तो प्लेन बनाओ या फिर ऐसे बनाओ। तो प्लेन वाले हम लोगों को नहीं पसंद आते हैं, बच्चों को पसंद आते हैं। हम लोगों का रहता है जब बनाने का मन नहीं करता, तो मुझे जिसे बनाने का मन नहीं करता तब बोल देते हैं कि ओम बना लीजिए, वरना अगर मेरा मन कर रहा है तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। तभी मैगी बना के ले आए हैं और उधर ये लोग खा रहे हैं। इनकी दादी भी आई हुई हैं, तो दो तीन दिन से आई हुई हैं, लेकिन इधर बीच वीडियो बहुत ज़्यादा हो गया था तो वीडियो नहीं बना रहे थे। तो दो तीन दिन से ज़्यादा पुरानी वीडियो नहीं अच्छी लगती है, तो इसलिए नहीं बनाए थे। तो आज संडे है तो आज वीडियो स्टार्ट किए। तो अभी उधर चारों लोग खा रहे हैं और हम अपना इधर लेके आए हैं, क्योंकि कर रहे हैं हल्ला। दादी रहती हैं तो बच्चे बहुत खुश रहते हैं। बच्चों का रहता ही है ना दादी से थोड़ा सा, दादी हो नानी हो, मेरी मम्मी भी आती हैं तो बच्चों थोड़ा बहुत लगे रहते हैं। वैसे तो मेरी मम्मी का है कि भोजपुरी का रहता है ना, मम्मी मेरी जैसे गाना वाना बीच बीच में गाने लगेंगी, गुनगुनाने लगेंगी, तो कहेंगे नानी का तो मुझे समझ में नहीं आता, नानी मतलब कुछ अलग ही बोलती हैं, वरना मन उनके साथ भी इन लोगों का लगता है। खाने के लिए तहरी बना रहे हैं, तो तैयारी पूरी कर लिए हैं। अभी चाय चढ़ाए हैं तो पहले तो नाश्ता कर लें और फिर थोड़ा बहुत कपड़ा है कपड़ा धुल लेंगे, उसके बाद फिर झाड़ू पोछा हो गया है, बस झाड़ू पोछा हुआ है। और संडे था तो सभी लोग नहा के बाल धो के नहाना, अब ठंडी में ये भी एक बहुत बड़ा काम। गर्मी में बाल धुलो तो बहुत अच्छा लगता है और ठंडी में तो अभी देखिए छत पे गए नहीं हैं बाल सुखाने के लिए, लेकिन नीचे ही सूख गया है। अभी नाश्ता करने के बाद जब कपड़ा धुल लेंगे तो जाएंगे थोड़ी देर छत पे ताकि बाल अच्छे से सूख जाए। तो अभी खा लेते हैं वरना मैगी ठंडा हो जाएगा। आ गए छत पे चाय नाश्ता के बाद। ये कपड़ा था तनिष में दिख रहा है, मेरा और बस मम्मी का था कपड़ा, बाकी बच्चों का संडे बनिया यूनियन उधर फैला हुआ है चादर, कल लगाए थे मशीन तो चादर सब धूप में नहीं डाल पाए थे, अंधेरा हो गया था तो नीचे ही डाल दिए थे। तो अभी आज सब सूख गया है, बस हम लोगों का तो अभी हाथ से धुले हैं तो इसको सूखने में समय लगेगा। थोड़ी देर बैठ लें बाल थोड़ा सा सूख जाए, क्योंकि किचन में रहो ना तो फिर जूड़ा बनाए रहो तो सूखता नहीं है, पूरे दिन फिर ऐसे ही रह जाता है। अभी चढ़ाए कुकर, तहरी की पूरी तैयारी कर ले। कुछ किचन का आपको हाल दिखाएं, देखिए मतलब कहीं भी थोड़ा बहुत भी जगह नहीं है। और बर्तन भी देख लीजिए पूरा भरा हुआ है, पूरा किचन भरा हुआ है। तभी तहरी इधर बना भी रहे हैं, साथ में सब समेटते भी जाएंगे बर्तन। मैगी खाओ तो बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाता है, अभी नाश्ते का बर्तन पूरा रखा हुआ है। तैयारी पूरी कर ली है, चटनी भी पीस लिए हैं, बस केवल तहरी बनाना है। ये है टमाटर, धनिया पत्ता और मिर्चा की लहसुन मिर्चा की चटनी। और यहाँ पे मेथी को धुल के, कल कल आए हुए हैं तो धुल के रख दिए हैं, तो आज इसको काटेंगे। तो अभी तो दोपहर में खाना खाने के बाद मेथी को काट के रख लेंगे। मेथी का काम रहता है ना, इसके छोटे छोटे होते हैं ना तो इसको चुनने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। चढ़ा दिए तहरी और किचन आपको दिखाएं, बैक कैमरा से दिखा रहे हैं। तहरी चढ़ा दिए और ये देखिए पूरा किचन हो गया क्लीन, बर्तन भी पूरा धुल गया। और ये तो लास्ट बार का बचा है, बाकी बर्तन धुलते गए और बर्तन स्टैंड में लगा दिए, तो किचन का काम ख़त्म हो गया है। बस अभी तहरी एक सीटी बोल दें तो ये तो ये लोग भी हटा देंगे। अभी चलते हैं कमरे में, अभी आ गए हैं, थोड़ी देर करेंगे आराम। अभी तहरी बनेगा तो बच्चे हैं उधर, ओम भी हटा देते हैं, नहीं तो ये भी हैं, प्रेशर निकलेगा तो खाना देंगे सबको। तो किचन में बस जाने का देर रहता है, किचन में जब तक नहीं जाओ ना तो लगता है बहुत काम है बहुत काम है, और जाओ अगर ना कुछ देर में ही देखिए पूरा किचन का काम ख़त्म हो गया। नहीं तो लग रहा था छत पर जब बैठे थे बाल सुखा रहे थे तो लग रहा था बहुत काम अभी है, अभी मतलब आराम करो ना तो अच्छा नहीं लगता जब किचन में काम रहता है। तो
अभी हो गया पूरा काम, मेन बर्तन का हो जाता है, बर्तन पूरा भर जाता है ना जब सिंक, तो लगता है बहुत ज़्यादा बर्तन हो गया है। हाँ ये चलाती है। अभी हम और मम्मी गए थे बाहर, यहाँ बगल में ही कोई मतलब वहाँ कल्याणी देवी का है तो उन्हीं से मिलने गए थे। तो वो बहुत पहले मुझे मिली थी, तो वो बोली थी कि जब आएंगी, मतलब वो जानती है मम्मी को, मुझे नहीं पता था उनके बारे में। तो हम एक बार ऐसे ही देव के लिए गए थे तो देखी थी, तो कही थी कि तुम्हारी सास आएंगी तो मिलाना हमसे, तो गए थे हम और मम्मी वहाँ। तो अभी आ गए और चले मेथी को चुने और फिर लग जाए। संडे का मतलब होता है, आज तो चले गए, एक दो घंटा मिल जाता लेटने को, लेकिन चले गए उधर, तो उधर समय बीत गया बिल्कुल। बिस्तर छोड़ दो, ख़ास तौर से संडे को बिस्तर, जितना देर बिस्तर पे रहो सुबह तक उतना ही, उसके बाद अगर एक बार बिस्तर छोड़ दो तो फिर सीधे रात में ही, रात में तो 11-12 बजे से पहले हो नहीं पाता है। अभी आए हैं तो उधर मम्मी लेटी हुई हैं थोड़ी देर की, खाना खाने के बाद तुरंत हम लोग चले गए थे तो वो भी लेटी हुई हैं। इधर हम कहें थोड़ा देर हम भी आराम कर लें फिर लगे, क्योंकि किचन में चले जाओ ना तो फिर नहीं मिलेगा, फिर चाय नाश्ता फिर खाना ऐसे ही करते हुए रह जाओ। तो आज फिर संडे है, पिछले संडे को भी बना था मेथी का पराठा और आज भी, तो अब हो जाता है संडे है तो मेथी का पराठा, मूली का पराठा या फिर आलू का पराठा या गोभी का पराठा, यही सब अब चलेगा। पूरी ठंडी, खाने पीने का बहुत ज़्यादा ऑप्शन रहता है, बनाने वाले की दिक्कत रहती है लेकिन खाने वालों के लिए बहुत मतलब आज बढ़िया रहता है। एक हम साहब की एक मम्मी साहब कर दी तो हो गया, अब इसको काट लें, तो काटेंगे तो उसमें चॉपर में काटेंगे, इससे बारीक हो जाता है ना, तो फिर पराठा बेलो तो बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रहता। इससे प्याज भी काट लो, ये भी काट लो। तो कपड़ा, ये कपड़ा केवल अभी चादर है, ऐसे कुछ हैं फोल्ड नहीं किए हैं, इसको फोल्ड करना है। और ये इतना सारा देखिए, इस तरह से दिखाएं तो कितना सारा कपड़ा। संडे को कहना रहता है कि केवल मेरा काम बहुत ज़्यादा होता है, मेरे मिस्टर का भी काम बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत बहुत काम करते हैं संडे को, पूरा दिन मतलब कोशिश करते हैं कि वो बैठे ना। अब जैसे खिड़की दरवाज़ा है पूछेंगे, फिर वो क्या बोलते हैं मतलब जो चीज़ें मैं नहीं कर पाती हूँ, जैसे पंखा है, ये है कपड़ा, जितना धुली रहती हूँ इनका बस चले, तो ये सब प्रेस करने जा रहे थे, ये सब चादर भी जा रहे थे, लेकिन दो घंटा से कर रहे थे तो फिर मना कर दिए कि नहीं मत करिए, कमर दर्द करने लग जाएगा। लेकिन बहुत काम करते हैं संडे को, सच बोले तो मतलब मेरा लगता है कि मेरा फिर भी कम है, उनका और ज़्यादा हो जाता है। तो ये सारे मतलब कर दिए हैं, बस अभी हटाना है, तो समय नहीं मिला इसलिए नहीं हटाए, अब तो कल ही हटाएंगे। इसमें से जो बच्चों का यूनिफॉर्म है कल पहन लेंगे, उसके बाद कल ये सब फोल्ड कर देंगे तो हटाएंगे। बच्चे अभी थोड़ी देर मोबाइल लिए हैं तो अभी हम लोग चलते हैं, थोड़ी देर बात करेंगे और उसके बाद फिर अपने अपने जगह पर, क्योंकि कल बच्चों को स्कूल जाना है, कल इनकी तो छुट्टी है, बच्चों को कल जाना है स्कूल, तो बच्चे सोएंगे जल्दी। यहाँ हम लोग देख रहे हैं टीवी और देखिए सास बहू में हो रही है बहस, वही मिस्टर के लिए वो लगाए हैं बाहुबली। तो सैटरडे संडे हो या किसी भी दिन छुट्टी हो तो इनका बाहुबली फिक्स होता है, तो वही हम कह रहे थे कि आज तो कम से कम, जब हम खाली हो जाते हैं ना तो मुझे लगता है कि कुछ तो ऐसा दिखाइए जिसे मैं भी देख लूँ, चाहे कॉमेडी मुझे ज़्यादा पसंद आता है, जिससे मूड फ्रेश हो जाता है। मम्मी बोल रही हैं कि ये भी कहाँ खाली रहते हैं, इनकी भी तो जब छुट्टी रहती है तभी देख पाते हैं। वो भी वही हम बता रहे थे कि देखिए कल भी देखे हैं और जिस दिन भी छुट्टी रहती है
चाहे जिस भी मतलब लैंग्वेज में, आज भोजपुरी में आ रहा था तो वही मम्मी कह रही थी कि भोजपुरी में ये कब से आने लगा। तो ये होता है ना कि हर भाषा में जो फिल्में मतलब चल जाती हैं हर भाषा में उसको कर देते हैं, तो वही हो रहा है। अभी इसी के साथ अपने वीडियो का भी एंड करते हैं। तो अगर आज की मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब, और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। और कैसी लगी आज की मेरी ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।